चंबा की कूर पंचायत में प्लस टू स्कूल में स्टाफ न होने व स्वास्थ्य केंद्र कूर में स्वास्थ्य कर्मी के खाली पड़े पद की समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे कूर क्षेत्र के उप प्रधान सुरेश कुमार ने अपनी भूख हड़ताल जिला प्रशासन के आश्वासन पर समाप्त कर दी है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सप्ताह भर में स्कूल में स्टाफ व स्वास्थ्य केंद्र कूर में स्वास्थ्य कर्मी के खाली पड़े पद को भर दिए जाने का आश्वासन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस बारे कार्रवाई करेगा। पिछले कल 9 अप्रैल को स्वास्थ्य व शिक्षा के जो हमारे गंभीर मुद्दे थे उसको हमने भूख हड़ताल के जरिए माननीय सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपको एक सप्ताह का समय दिया जाता है, अगर एक सप्ताह में स्वास्थ्य केंद्र पूर्व में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्व में स्टाफ नहीं पहुंचता तो आप फिर से आंदोलन कर सकते हैं और धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और सड़कों पर उतर सकते हैं। इसलिए उस आश्वासन को मानते हुए हम भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया है और थोड़े हमें हल्की सी खुशी भी हुई है कि हमारे जिला प्रशासन डीसी साहब या एडीएम जी ने हमें बताया कि आपको एक सप्ताह के भीतर जो है आपकी समस्या एक सप्ताह के भीतर आपकी समस्या सब हल हो जाएगी और हमें बहुत खुशी हुई, हमारे ग्रामीणों भी खुशी हुई। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।